तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं हेला को फीमेल सुपर हीरोज़ के साथ, और आखिर में देखेंगे कि क्या फीमेल सुपर हीरोज़ हेला को बीट कर पाती है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेला ने ऐसा क्या किया है जिसके बेसिस पर हम उसे फीमेल सुपर हीरोज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हेला ने ओडिन की मदद की थी नाइन रियलम्स को कॉन्कर करने में। अगर हेला नहीं होती तब भी ओडिन ऐसा कर लेते, बट हेला की वजह से ओडिन का काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। फिर 1500 साल पहले हेला ने हज़ारों वैल्करीज को मार दिया था, और एसगार्डियंस के लिए वैल्करीज हीरो से कम नहीं होती है। इनफैक्ट थोर जब छोटा था तब उसे भी एक वैल्करी बनना था। इस फाइट में बस एक वैल्करी थी जो जिंदा बच गई थी, लेकिन उसके बाद उसने एसगार्डी छोड़ दिया। फिर 1500 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद हेला ने आते ही म्यूनर को तोड़ दिया, और ये वही म्यूनर है जिसे हम एसगार्ड के टॉप टू मोस्ट पावरफुल वेपन बोला करते थे उस टाइम। और इसके बाद हमें पता चला कि हेला का बैटल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि उसने बायफ्रोस्ट में बिना किसी दिक्कत के लोकी और थोर को बाहर फेंक दिया था। एसगार्ड से हेला को पावर मिलती है, इसलिए जितना वो एसगार्ड में रहेगी उतना ही वो पावरफुल बनती चली जाएगी, और इसी के चलते उसने लगभग एसगार्ड की आर्मी को मौत के घाट उतार दिया। थोर और वैल्करी को एक साथ बीट कर दिया, जबकि इस बार थोर ने अपनी पावर्स अनलॉक कर दी थी। बस सर्टर था जिसके सामने हेला की नहीं चली, क्योंकि हेला की किस्मत में सर्टर को हराना नहीं लिखा है। सर्टर को ओडिन नहीं मार पाए तो हेला की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अब कंपेयर करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो की। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ब्लैक विडो तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से हेला को कुछ नहीं कर सकती। और ब्लैक विडो का जो प्राइमरी वेपन है वो है उसके स्मॉल कैलिबर गन और इलेक्ट्रिक टेजर, जो अपने हाथ में लगे गैजेट से शूट करती है। बट ये दोनों वेपन हेला पर काम नहीं करने वाले। बुलेट्स का असर टॉप एसगार्डियंस पर नहीं होता है, और थोर की अब तक की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक से हेला को कुछ नहीं हुआ था, तो ब्लैक विडो के टेजर तो बहुत दूर है, इसलिए ब्लैक विडो हेला को बीट नहीं कर सकती। अब बात करते हैं वैल्करी की। तो वैसे देखा जाए तो वैल्करी को दो बार सुपारी मिली थी हेला को मारने के लिए, लेकिन दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 1500 साल पहले वैल्करी को एक दूसरे वैल्करी ने बचा लिया था, और अभी 2018 में सर्टर की वजह से वैल्करी जिंदा बच गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर फ्यूचर में कभी ये दोनों फाइट करते हैं तो वैल्करी फिर से हेला को मार पाएगी, इसलिए वैल्करी भी इस लिस्ट से बाहर हो जाती है। शूरी, अब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल वाले शूरी को नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनाएंगे। हालांकि इस बात की अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है, बट शूरी एक इन्वेंटर है, इसलिए वाइब्रेनियम का यूज़ करके वो कुछ ऐसा बना सकती है जो हेला के बराबरी का हो, ठीक जैसे उसने वाइब्रेनियम गॉन्टलेट्स बनाए थे वाइब्रेनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन इससे पहले उसे हेला को स्टडी करना पड़ेगा, और एक गॉड लेवल बींग को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और अभी तक शूरी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि वो एक गॉड को हरा सकती है। लेकिन एक रास्ता है, अब मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर शूरी अपने किमोयो बीड्स न्यूक्लियर मिसाइल के एक्टिवेशन मशीन पर लगा दे और उसे हेला पर सेट करके हेला पर दे मारे तो शायद हेला को कुछ हो सकता है। लेकिन अगेन हेला के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि न्यूक्लियर मिसाइल आने से पहले ही वो उसे ब्लास्ट कर देगी, इसलिए शूरी भी लिस्ट से कटआउट हो जाती है। अब आती है स्ट्रोम, जो एक्समैन यूनिवर्स है। अब स्ट्रोम के पास वही पावर्स है जो थोर के पास है, जैसे वेदर मैनिपुलेशन और लाइटनिंग को कंट्रोल करना, लेकिन ये सब थोर हेला पर पहले ट्राई कर चुका है और वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। टेक्निकली थोर स्ट्रोम से ज़्यादा पावरफुल है, और वो हेला को नहीं हरा पाया तो स्ट्रोम कैसे बीट कर देगी। अब देखते हैं कि गमोरा और नेबुला कुछ कर पाती है या नहीं। अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों वॉरियर्स हैं और इनकी स्ट्रेंथ लगभग एक पीक ह्यूमन लेवल की है। गमोरा एक स्केल फाइटर है और सेम नेबुला के साथ है, बस नेबुला गमोरा के कंपैरिजन में हमेशा एक कदम नीचे रहती है। बाकी इन दोनों को ट्रेनिंग सेम मिली है थैनोस के अंडर में। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे ये हेला के पास जा सकती है। हेला एसगार्ड के सबसे बेस्ट वॉरियर्स का चैप्टर क्लोज कर चुकी है, और नेबुला और गमोरा तो उनके कंपैरिजन में बच्चों जैसे है। हेला ने अगर नेक्रो सॉर्ड से अटैक करना शुरू कर दिया तो ये दोनों उसे टच करने से पहले स्वर्ग पहुंच जाएगी। ऐसे ही जो वकांडा की फीमेल बॉडीगार्ड्स है जिन्हें डोरा मिलाजे भी कहा जाता है, वो भी हेला को नहीं हरा सकती। वो किलमोंगर से लगभग हार रही थी, तो हेला तो खुद गॉडेस ऑफ डेथ है। अगर आपको याद हो तो मेंटेस नाम की एक मेंबर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में है। एक टाइप से वो एक टेलीपैथ है, लेकिन अपनी पावर्स का यूज करने के लिए उसे अपने एनिमी को टच करना पड़ता है। उसने ड्रैक्स से लेकर ईगो तक सबको सुला दिया था कुछ देर के लिए सही, लेकिन उसने थैनोस को भी अनकॉन्शियस कर दिया था। तो अगर मेंटिस को हेला को टच करने के लिए कुछ मिनट्स मिल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए सही लेकिन हेला को अनकॉन्शियस कर सकती है।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि हेला मेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और हेला की कॉन्शियसनेस अगर थैनोस से ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो हेला मेंटिस का क्या हाल करेगी वो सोच भी नहीं सकती। अब बात करते हैं वंडर वुमेन की। तो वंडर वुमेन पास्ट में गॉड को मार चुकी है, जो था गॉड ऑफ फोर एरिस, जिसके पास टेलीकिनेसिस पावर थी, लेकिन यहाँ पर वंडर वुमेन ने अपनी खुद की पावर से उसे नहीं हराया था। जब एरिस ने लाइटनिंग अटैक वंडर वुमेन पर किया था, सेम अटैक को डायना ने एरिस पर रिडायरेक्ट कर दिया था, और ऐसे एरिस मारा गया। लेकिन वही वंडर वुमेन को स्टेफन वुल्फ ने दो बार पेल दिया था, जबकि लॉजिकली एरिस स्टेफन वुल्फ से ज़्यादा पावरफुल था। और जब वंडर वुमेन हेला से फाइट करेगी तब वंडर वुमेन हेला को थोड़ा डैमेज तो कर ही सकती है, लेकिन आखिर में वंडर वुमेन को यह हारना ही पड़ेगा, क्योंकि रैग्नारोक के समय पर थॉर और वैल्करी दोनों एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर थे, लेकिन वो हार गए। और हेला एक बार नेक्रोसॉर्ड फेंकना शुरू कर दे तो वो एक बार में डजन से ज़्यादा शार्पनेस प्रोड्यूस कर सकती है, और वंडर वुमेन इतनी एग्रेसिव फाइट में ज़्यादा टाइम नहीं टेकने वाली, इसलिए वंडर वुमेन हेला को स्टैप कर सकती है, लेकिन आखिर में हेला ही विनर बनेगी। अब आती है वॉस्प। अब ये जो एंटमैन की पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन ये हेला को बीट कर सकती है अगर ये अच्छे से फाइट करे तो, क्योंकि अपने साइज को चींटी जितना छोटा बना सकती है। वैसे हेला अपने सेंसेस से इसे काउंटर कर लेगी, लेकिन स्टार्टिंग में हेला को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है, जैसे वॉस्प हेला के कान में या नाक के जरिए अंदर चली जाए और बाद में खुद को बड़ा कर ले, ऐसा होना पॉसिबल है। या फिर वॉस्प अपने रेड वाले पिम डिस्क का यूज़ कर सकती है, जिसकी मदद से किसी भी चीज़ का साइज छोटा किया जा सकता है। एक बार हेला छोटी हो गई तो उसे नॉर्मल शेप में सिर्फ पिम पार्टिकल्स ही वापस ला सकते हैं। लेकिन इनकी बैटल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या वॉस्प हेला को बीट कर सकती है या नहीं। अब बढ़ते हैं कैप्टन मार्वल की तरफ। वैसे कैप्टन मार्वल बस बोलने के लिए सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन थॉर और स्कारलेट विच जैसे सुपर हीरो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल ने आज तक किसी गॉड से फाइट नहीं की है। अगर हेला के पास एनर्जी बेस्ड अटैक होते तो शायद हम ऐसा बोल पाते कि कैप्टन मार्वल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, बट हेला एनर्जी प्रोजेक्शन नहीं करती है। हेला अपने शार्पनेस का यूज़ करेगी इस फाइट के दौरान, और मुझे नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल इस फाइट में विनर बन सकती है। सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ एसगार्डियन को मैच नहीं कर सकती। हेला तो टेक्निकली थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है, और कैप्टन मार्वल के अटैक्स का भी हेला पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हेला ने लाइटनिंग स्ट्राइक फेस की है जो कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी कैप्टन मार्वल के प्रोटॉन ब्लास्ट से, और कैप्टन मार्वल एक क्री हाइब्रिड है, इसलिए अगर एक भी हेला का नेक्रोसॉर्ड उसके आर पर हो गया तो सिर्फ टाइम स्टोन से ही उसे बचाया जा सकता है। अब आती है स्कारलेट विच। अब जो स्कारलेट विच है वो टेक्निकली डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी पावरफुल बन चुकी है। पहले तो बस ये टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल यूज किया करती थी, लेकिन अब ये रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने थॉर के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था, तो मे बी हेला के साथ वो सेम ऐसा ही कर सकती है। वैसे जितना मुझे पता है हेला पर व्हाइट मैजिक काम नहीं करता है, और ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, और बाद में उन्होंने उसे कैद कर दिया। सो अभी स्कारलेट विच वो मैजिकल बुक पढ़ रही है, और अगर वो ये जान ले कि अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करके हेला को डायमेंशन में कैसे ट्रैप करना है, तो हो सकता है कि हेला हमेशा के लिए वहाँ फंस जाए, ठीक जैसे ओडिन ने उसके साथ किया था। तो हाँ, स्कारलेट विच उन फीमेल सुपर हीरोज में से एक है जो हेला को जान से तो नहीं मार सकती, लेकिन एक डायमेंशन में ट्रैप ज़रूर कर सकती है। अब लास्ट फीमेल सुपर हीरो है जीन ग्रे। ये एक टेलीपैथ है, और फिनिक्स पावर के साथ टेक्निकली ये इमॉर्टल बन जाती है, और ये हेला के लेवल की है। इसकी सिर्फ एक टच से म्यूटेंट्स डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, और फिनिक्स पावर की वजह से एक्समैन टीम के कंबाइन पावर से भी ये कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी। अब जो एपोकलिप्स था वो एक टाइप से इमॉर्टल था, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को टाइम टू टाइम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डाल दिया करता था, और उसके पास रीजनरेशन पावर भी थी, बट जीन ग्रे ने उसे मार दिया था। जीन ऐसा ही हेला के साथ भी कर सकती है, और जो हाल एपोकलिप्स का हुआ था सेम हाल हेला का भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि जीन ग्रे हेला को बीट कर सकती है। बट अगेन, हेला की पावर एसगार्ड से है, और अगर जीन हेला को मार भी देती है तो वो कैसे भी करके वापस आ जाएगी। अगर जीन को हमेशा के लिए हेला को ख़त्म करना है तो उसे पहले एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं जाकर हेला मर सकती है। तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि हेला की पावर लेवल क्या है दूसरे फीमेल सुपर हीरोज के कंपैरिजन में। और आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।